पूछा गया है कि कौन सा व्यक्ति अकबर के नवरत्नों में था या अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। मात्र एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मात्र 5 या 7 मिनट के टॉपिक में आप इस तथ्य को अच्छी तरह से सीख जाएंगे। प्लीज फ्रेंड्स ध्यान से देखना, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मात्र एक ट्रिक के माध्यम से देखने से आपको वो टॉपिक याद नहीं होता है। तो देखिए, अकबर के जो नवरत्न थे, जो 9 उसके प्रमुख दरबारी थे, उनके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। क्या बनाई है? उनके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है और बहुत छोटी सी ट्रिक है अंग्रेजी कक्षाओं के माध्यम से, और वो है बात बात NMH। क्या है? बात बात, डबल बार लिखना है हमें, बात बात MMH। MMH कितने अक्षर हो गए हैं? 3, 3, 6 और 3, 9। और यहाँ हमारे व्यक्तियों की संख्या भी कितनी है इसके अंदर है? 9। बात बात MMH 9 लाइनों में लिख लीजिए। बी 2 नंबर पे, ए 3 नंबर पे, टी 4 नंबर पे, बी 5 पे, ए 6 नंबर पे, इधर लिख देती हूँ, टी 7 पे, एम 8 पे, एम और 9 पे एच। बात बात MMH 9 अक्षर और 9 ही व्यक्तियों के नाम है। अब देखिए फ्रेंड्स कि इन अक्षरों से क्या क्या नाम बनेंगे जो अकबर के नौ रत्नों में शामिल है। देखिए, बी से बनेगा बीरबल, बी से क्या बनेगा? बीरबल। ए से बनेगा अबुल फजल, अबुल फजल। टी से बनेगा टोडरमल, टी से क्या बना है? टोडरमल। एक बार पुनः भी आ गया है, एक बी से बीरबल बना दिया। ये जरूरी नहीं है कि पहले से बीरबल बनाओ, उल्टा सीधा भी अपन कर सकते हैं। 2 बी आए हैं तो इस दूसरे वाले बी से बनेगा भगवान दास। क्या बनेगा? भगवान दास। अब दोबारा से ए आ गया है, एक ए से हमने अबुल फजल बना लिया है, दूसरे ए से अपने को बन रहा है अब्दुल रहीम खान खाना। क्या करना है? अब्दुल रहीम खान खाना। क्या करना है हमें? अब्दुल रहीम खान खाना। फिर क्या है हमारा? टी। अब इस टी से हमें करना है तानसेन। क्या करना है फ्रेंड्स? तानसेन। 2 टी आए थे, एक टी से टोडरमल और दूसरे टी से तानसेन। उसके बाद में एम, इस 2 एम है, कोई से कहीं भी कर सकते हो, उल्टा सीधा कोई दिक्कत नहीं है। इससे कर देना मानसिंह, और जो दूसरा एम है इससे कर देना मुल्ला दो प्याजा। क्या करना है हमें? मुल्ला दो प्याजा। एच और बच गया, लास्ट में हमारा एच बच गया और इसी को हम भूलते हैं, एच वाले को ही हमें भूलते हैं। तो याद रखना, इस एच से जो व्यक्ति बनेगा उसका क्या नाम है बताइए। यदि किसी को आता है तो कमेंट करके भी आप इस क्वेश्चन को मुझे बता सकते हो, या फिर अभी जो क्लास में स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं वो भी बता सकते हैं कि इससे क्या बनेगा। बताओ भाई, नहीं पता है इससे? हकीम हुकम, यही बोलते हैं हम, हकीम हुकम। और ये मात्र 5-6 मिनट के अंदर हमने अकबर के नवरत्नों के बारे में पढ़ लिया। दोबारा से देख लो, बीएटी यानी बैट बैट MMH, बैट बैट MMH वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक दो बार लिख के देखोगे, एक दो बार यदि आप ट्रिक को याद करोगे तो अपने को ये अच्छी तरह से याद है।